खबर प्रतापगढ़ जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र से है, जहां बहन के घर आम देने आए युवक की हत्या कर दी गई। युवक का शव चक्रोड किनारे पड़ा मिला। रायबरेली जिले के ऊंचाहर कोतवाली क्षेत्र के हमीदपुर बड़ा गांव निवासी 38 वर्षीय होरीलाल पुत्र झूरी शनिवार को नवाबगंज थाना क्षेत्र के किशुनदासपुर गाँव में अपने बहनोई रामकरण के यहाँ आम लेकर आया था। होरीलाल शाम लगभग 6 बजे रामनगर निमंत्रण जाने की बात कहकर बहन के यहाँ से साइकिल से निकला। रविवार की सुबह नवाबगंज और मानिकपुर थाने के बॉर्डर पर किलकिला बरियावा गांव के लोग जब शौच के लिए निकले तो देखा चक्रोड के किनारे गड्ढे में एक शव पड़ा था। इसकी सूचना गांव वालों ने नवाबगंज पुलिस को दी। मौके पर पहुंची नवाबगंज पुलिस ने शव की पहचान कराई। बॉर्डर का मामला होने के चलते घंटों मामला उलझा रहा, जिसके बाद कुंडा सीओ अजीत सिंह मौके पर पहुंचे और सीमा विवाद सुलझाया। इसके बाद नवाबगंज पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक होरीलाल की पत्नी शिव कुमारी ने नवाबगंज थाने में अज्ञात के खिलाफ हत्या की तहरीर दी है। मृतक होरीलाल आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था और साइकिल से चूरन बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके एक बेटी और बेटा है। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। प्रतापगढ़ जिले की खबरों की लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। खबर अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज पेज को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। जय हिंद।